राज ठाकरे ने कहा कि या तो सिंधे सरकार मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए या हम पर छोड़ दे। राज ठाकरे ने कहा, ना मैं पार्टी से जाता ना राणे जाते, उद्धव चाहते तो हम सब चले जाएं। हिंदुत्व के मुद्दे पर राज ठाकरे ने कहा, हमें धर्मोद्ध हिंदू नहीं धर्माभिमानी हिंदू चाहिए। राज ठाकरे ने कहा कि सांगली शहर के बारे में बताया कि वहां बच्चों के खेलने के मैदान में अवैध तरीके से मस्जिद बनाई जा रही है, दो समुदायों में तनाव हुआ है, 15 लोग जख्मी हुए हैं, जो खुराफात करेगा उसे उसी की भाषा में जवाब देना होगा। जब सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीएम होंगे फडणवीस, तब उद्धव ने क्यों नहीं निकाली चीख, राज ठाकरे ने कहा। सीएम शिंदे किसानों से मिले, जहां उद्धव की सभाएं हो रही है वहां आप रैली का कंपटीशन ना करें, राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष बाण की लड़ाई में तू तू मैं देखकर अफसोस हुआ, हमें जो खत्म हुई पार्टी कहते थे उनकी आज क्या हालत हो गई देखिए, ये भीड़ देखकर कोई कह सकता है कि मन से खत्म हो गई है, राज ठाकरे। सोनू निगम के पिता के घर लाखों की चोरी, पूर्व ड्राइवर ने डुप्लीकेट चाबी से वारदात को दिया अंजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की आज। पूरे हफ्ते भर रहेगा बारिश का मौसम, धूप छांव का बना रहेगा मौसम। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री होंगे राज ठाकरे, शिवसेना भवन के सामने मनसे ने लगाया पोस्टर। महाराष्ट्र में आसिबाजी पार्क में होगी राज गर्जना, मनसे की पाड़वा बैठक में राज ठाकरे के भाषण पर होगी सबकी नजरें। राज ठाकरे भावी मुख्यमंत्री, मनसे की बैनरबाजी का संजय राउत ने दिया जवाब, कहा भारत में लोकतंत्र है, आम आदमी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा पर्व की धूम और हिंदू नववर्ष की जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा और लोग भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा गाने पर थिरके भी। बचपन में ही डॉक्टर हेडगेवार ने भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना देखा था, आज है उनका जन्मदिवस। सनसनीखेज सीना वोरा मर्डर केस पर बनेगी वेब सीरीज, आज भी नहीं सुलझी है इस केस की गुत्थी। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी हलचल, सीएम शिंदे पहुंचे मनसे कार्यालय, गठबंधन को लेकर सामने आ सकती है बड़ी खबर। आईआईटी बॉम्बे छात्र सुसाइड मामले में अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर FIR की मांग। ज्योतिरादित्य सिंधिया कल महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे, सिंधिया इन कई कार्यक्रमों में कर सकते हैं शिरकत। पुणे में नौजवान की ओपन जिम में कसरत करते वक्त मौत, दोस्त देखकर रह गए हैरान। इस वक्त एक बड़ी खबर अमृतपाल सिंह को लेकर, महाराष्ट्र पुलिस अलर्ट पर, पंजाब में अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों पर जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू है उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट पर है। अमृतपाल सिंह की बड़े पैमाने पर तलाशी की जा रही है, उसको देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस भी अलर्ट हो गई है और खासकर नांदेड़ जिला की पुलिस सबसे ज्यादा चौकन्नी है। आपको बता दें नांदेड़ पुलिस हर आने जाने वाले लोगों पर नजर बनाई रखी है। महाराष्ट्र की ATS भी अलर्ट पर है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे, पंजाब में अमृतपाल सिंह और उनके समर्थकों पर कार्रवाई शुरू है।